आज हम एक जनरल स्टोर पे पहुँचे हैं और वहाँ से उन से जानेंगे कि जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं उनको लेकर के रेट किस कदर चुरे। हम देखिए पीछे दिखाना चाहेंगे किस तरह से जिस तरह घरों में प्रयोग होने वाली छोटी छोटी वस्तुएं। हमारे साथ यहाँ पर जो दुकानदार हैं इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो रेट हैं, जैसे प्रत्येक दिन जिस तरह से जो वस्तुएं यूज हो रही हैं, दाल, चीनी, नमक, धूप, साबुन, तेल, बिस्किट, तो किस किस रेट, क्या क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है? पहले जो हम बिस्कुट लेते थे तो पहले बहुत सस्ता था, अब जो बढ़ गए हैं उसके रेट भी बढ़ गए हैं और उन्होंने पैकिंग भी कम कर दी बिस्किट की। अच्छा जी, इस तरह से हम पार्ले जी को देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि पार्ले जी को दिखाए। यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा वो देने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता क्या है कि पहले की अपेक्षा कुछ कम हुआ है? पहले से ज़्यादा पार्ले जी में बहुत मार्जिन कम कर दिया है, खाली एक्स्ट्रा परसेंट जो दिखा रहे हैं वो सब बेकार की बातें हैं। इस पर जो पहले हम लेते थे 5 रुपये में बिस्कुट बहुत ही ज़्यादा आता था, अब जो एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं 10% वो कम ही है अभी इससे ज़्यादा। अच्छा कुछ बिस्किट ये हैं, जैसे ये गुड्डे हैं, तो ये गुड्डे पकड़िए आप, ये गुड्डे का जो रेट 10 रुपये में पहले कितना ग्राम आता था, जो आज कितना ग्राम है इसमें? पहले कितना ग्राम आया था इसका? अच्छा पहले की अपेक्षा कुछ छोटा हुआ है, इससे पहले इससे छोटा हो गया है इतना पता है। पहले हम जो गुड्डे बिस्कुट खाया करते थे वो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन अब कंपनी वालों ने इसे बहुत छोटा कर दिया है। लेकिन अब ये है ना, खाने वाले तो खाएगा ही, लेकिन जो भी है ये छोटा हो चुका है। अच्छा, अभी जैसे मसालों की बात आती है या दालों की बात आती है तो वो रेट जो है किस तरह से, जैसे अगर साबुन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर साबुन के भी पैकिंग छोटी हो गई, ठीक है। ये किस नाम से, गोदरेज नाम से साबुन? साबुन है हाँ। पहले ये इसका वजन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा आता था, लेकिन अब इस पर भी मार्जिन गिरा दिया है, बिल्कुल वेट कम कर दिया है, बिल्कुल छोटा कर दिया है इसके लिए। पहले ये काफ़ी अच्छा था, बड़ा भी था साबुन, लेकिन इस पर महंगाई के देखते हुए इसे भी छोटा कर दिया गया। अच्छा है। ये अगर बात महंगाई की आती है तो कहीं ना कहीं कंपनियां तो अपना जो है वेट कम करके MRP को स्थिर रख करके कंट्रोल कर लेती हैं, तो अगर बात महंगाई की आती है तो आम जनता पे इसका बड़ा फ़र्क पड़ रहा होगा? बहुत फ़र्क पड़ता है इस पर, आम आदमी के लिए कुछ ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है इस चीज़ पे। जो मिडिल क्लास आदमी होती है, जो इसे 200-300 रुपये पैदा करता है, उसे भी ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है। अच्छा जैसे दालें हैं, इन दालों में किस किस तरह की जो है रेट में बढ़ोतरी हुई है? दालों में तो हमारे पास अभी जैसे कि अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, ये इनमें सब में ही अभी बढ़ोतरी हुई है, जितने में मतलब पहले हम जो लेते थे उससे ज़्यादा ही अब बचत नहीं हो पा रही है और पैसे ज़्यादा हो गए हैं दालों पे। अच्छा कुछ चीज़ों में जानना चाहूँगा यहाँ पे कि जो रेट थे उन रेटों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है तो आम जनता पे जिस तरह से इसका असर पड़ रहा है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की जिनमें बढ़ोतरी हुई है? सबसे ज़्यादा जो है वो है सबसे ज़्यादा तेल और रिफाइंड, उसमें ज़्यादातर महंगाई की ज़्यादा सिस्टम हो गया है। अच्छा जैसे तेलों की बात की जाए तो तेलें आसमान छू रहे हैं आज, रसोई का बजट बिगड़ रहा है, तो उन रसोइयों में ऐसे कौन कौन से जो तेल थे जिनके रेट जो है बहुत स्तर आगे बढ़े हैं, और कौन से रोज डेली वाले प्रोडक्ट हैं जिनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है? सोयाबीन रिफाइंड है और सरसों का तेल है, और उसी के चक्कर में नमकीन वगैरह सब पे पैसे बढ़ गए हैं। तो क्या नमकीन उसमें पैकिंग वही रहा है रेट? नहीं, MRP पे रेट बढ़ गए उनके। अच्छा। सारी MRP पे रेट बढ़ गए उनके, जो पहले 50 का था वो अब 60 का हो गया। जैसे कुछ चीज़ें दिखाना चाहेंगे कि जैसे आलू भुजिया का रेट था, दिखवाइए कि किस पहले की पैकिंग क्या थी, आज की जो है पैकिंग क्या है। जी हमारे पास तो पुरानी रखी हुई है इस टाइम पे, और जो नई आई है वो 60 रुपये MRP आ रही है। अच्छा पुरानी किस रेट में थी? पुरानी 50 रुपये MRP में थी। तरफ महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही, वहीं बड़ी से बड़ी कंपनियों ने भी अपने रेट में इजाफा कर दिया, जिससे उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानी पड़ रही। आज हम इस समय खड़े एक दुकानदार के पास, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ महंगाई हुई है किस तरह से। क्या नाम है आपका? सुगमपुरी। जिस तरह से महंगाई है पार्ले जी का अगर हम बात करें तो पार्ले जी क्वांटिटी कहीं ना कहीं कम हुई है, वहीं अगर मैगी की बात करते हैं तो मैगी में भी रेट का इजाफा हुआ है, क्या कुछ है? बिल्कुल, मैगी भी अब आपकी जो है 12 से बढ़ के 14 की हो गई है, और कुछ आइटम्स में रेट बढ़े हैं और किसी में उन्होंने क्वांटिटी कम कर दी है,
तो महंगाई हर तरीके से बढ़ ही रही है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता जो कंज्यूमर जो इस्तेमाल कर रहा है जो खरीदारी कर रहा है उसको कहीं ना कहीं महंगाई के सामने एक बार फिर करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर तरफ की महंगाई बढ़ गई है, किसी चीज़ में कोई रॉ मटेरियल महंगा है कुछ है, तो उस वजह से सब कंपनियाँ धीमे धीमे रेट बढ़ा। आटा महंगा होने पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी, जैसे आप अमूल की बात करें तो अमूल ने मक्खन में भी रेट बढ़ा दिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मक्खन में भी रेट बढ़ गया है आपका, और अमूल के लगभग सारे आइटम्स में रेट बढ़ गया है, बिस्किट्स में बढ़ गया है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी हैं, जूसेस ऐसे हैं जिसमें सबके रेट धीमे धीमे बढ़ ही रहे हैं, नहीं तो क्वांटिटी कम कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही, कहीं ना कहीं महंगाई में या तो रेट का कंपनी इजाफा कर रही या उसमें क्वांटिटी की कमी दिख रही। हम राजधानी देहरादून की एक ऐसी दुकान में पहुंचे हैं जो दुकान बड़ी तो नहीं है, एक बड़ा मॉल तो नहीं है, लेकिन जो गली मोहल्ले के जो लोग हैं, मध्यम तबके के जो लोग हैं, वो इन दुकानों में आते हैं और अपने महीने भर का राशन लेकर जाते हैं। लेकिन जो महीने भर का राशन पहले 1,000 रुपये में पूरा हो जाता था, क्या वो अब 1,000 रुपये में पूरा हो रहा है, या फिर जो दुकानदार पहले बाज़ार से जो सामान कम दामों पर लाते थे वो अभी उसी दामों पर मिल रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और इसीलिए हम एक स्थानीय दुकान पर पहुंचे भी हैं, हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, आपको दिखाना चाहूँगा, ये उनकी दुकान है। और इसी दुकान से जो स्थानीय लोग हैं वो रोज़ाना अपना सामान ले जाते हैं और ख़ासतौर से महीने भर का पूरा राशन अपने घर का भी ले जाते हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? विनोद चौहान। चौहान साहब, अब ये बताएँ कि पहले और अब में कितना बदलाव आया है, जो भी घरेलू सामान है, जो भी चीज़ें मतलब महंगी हुई हैं? महंगी तो बहुत ज़्यादा हो गई, जो मनी पहले 500 में आता था आज की रेट में 800-900 से मनी ऊपर ही है, तेल के रेट दुगने दामों पे पहुंच गए हैं। एक ये भी चीज़ है कि तेल तो चलो घरेलू वस्ती लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें चाहे बिस्किट हो, टॉफ़ी हो, उसमें भी कुछ बदलाव देखते हैं आप? सब में, साबुन से लेकर तेल सरफ जितनी ग्रोसरी है एक किचन की, सब में तेजी है। और बड़ा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है बहुत ज़्यादा। आपको भी हो रहा है इससे कुछ नुकसान? बहुत ज़्यादा, जो हमें पहले बनी जो सामान हमारा 5,000 में आता था अब वो 8-9 हज़ार में आ रहा है, और हमारे ऊपर से किराया भाड़ा सब बढ़ चुका है। यानी कि परेशानी आपको भी हो रही है और जनता को भी? दोनों को। अच्छा, एक बड़ी चीज़ ये है कि लोग आपके यहाँ से महीने भर का राशन ले जाते होंगे, पहले कितने में ले जाते थे और अब क्या उसमें बढ़ोतरी हुई है? हाँ, वही है, कम से कम 40% की बढ़ोतरी है हर सामान में। यानी कि संख्या कितनी बढ़ी है? किस चीज़ की? मतलब कि जो महीने भर का राशन लोग ले जाते थे, जो 2 का जाता था वो अब उसका 3,000-3,500 का बिल बन जाता है। यानी कि लोगों की जेब पर भी इसका डाका पड़ रहा है? बहुत बहुत डाका। अच्छा, मैं देख रहा था कि कहीं ऐसे बिस्किट थे चाहे पार्ले जी हो या फिर कहीं अन्य ऐसे बिस्किट थे जो पहले डबल में आता था, अब इन्होंने इस कंपनी ने रेट वही है, इसे सिंगल कर दिया, मैंने हाफ कर दिया इसे। ये 50-50? हाँ, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दी, क्वांटिटी हाँ प्राइस वही है, प्राइस सेम है। हाँ, अभी भी दिख रही है चाहे संख्या कम की जाए या रेट बढ़ाया जाए। हाँ जी जी, है ना, यानी कि बढ़ोतरी लगातार जारी है। और आप देखेंगे ये केवल इसी में ही नहीं है, इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं, चाहे इस फ्रिज के अंदर ही देख लें हम लोग, दही पनीर। तो ये पनीर पहले कितने का आता था? पहले 60 रुपए का। 80 रुपए का। अभी 80 रुपए का पनीर हो गया, यानी कि 20 रुपए एक पनीर के पैकेट में बढ़ गए। जी जी। और इसके अलावा दही के रेट, दही में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। 18 रुपए का आता था और अब 22 का है। 22 का आ गया, यानी कि ना केवल घरेलू बल्कि दूध दही जैसी कई महत्वपूर्ण चीज़ें जो रोज़मर्रा में स्थानीय लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। आप जानना चाहेंगे कि महंगाई की मार जो है वो जो है पहले आप लोगों की सेल क्या हुआ करती थी और अब सेल में कितना अंतर देखने को मिल रहा है? सीजन चालू हो गया है, लगन का सीजन है, सब सीजन है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दुकान में सन्नाटा है। केवल हमारा स्टाफ, हमारे जो परिवार है वही कल दुकान में है, बाकी दुकान में ग्राहक तो है ही नहीं। आखिर वजह क्या मान रहे? महंगाई आज के दिन में, चाहे वो रिफाइंड हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो दलहन हो, सभी चीज़ आसमान छू रहा है। तो किस किस आइटम पे जो है महंगाई, खासा महंगाई की मार देखने को मिल रही है? कॉस्मेटिक पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और खाने पीने की चीज़ में क्या है? फॉर्चून जो रिफाइंड ऑयल है आज के दिन में लगभग 200 रुपये लीटर के आसपास पहुँच गया रिफाइंड ऑयल, जो हर एक गरीब आदमी भी परचेस कर लेता था, जो 120-130 रुपये लीटर था आज वो 200 रुपये के करीब पहुंच गया है, तो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? दूसरी चीज़ आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे
कि कंपनियों ने जैसे ब्रांडेड जो कंपनियां थी बड़े पैक में सामान जो है प्रोडक्ट निकालती थी, तो अब जैसे महंगाई बढ़ी है तो क्या प्रोडक्ट के जो बड़े पैक थे वो छोटे पैक में भी तब्दील हुए? आज के दिन में अच्छी अच्छी कंपनियां स्कीम निकाल दी हैं कि उनका सामान बिके, क्योंकि आज के दिन में कंपनियों को भी एक्सपायरी का बहुत बड़ा मार झेलना पड़ रहा है, और एक्सपायरी मतलब कंपनियों का शुद्ध नुकसान है, और कंपनियां नुकसान कम करने के लिए अच्छी अच्छी हल्दीराम जैसी कंपनियां भी स्कीम दे रही हैं, मगर कस्टमर है ही नहीं तो माल खरीदेगा कौन? महंगाई चरम सीमा पे है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार शांत है।